तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका जो अभी जल्दी में अभी बॉस का एग्ज़ाम हुआ था, आपको उसका डॉक्यूमेंट्स कब तक मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स कब मिलेगा और डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 3 पॉइंट के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे कि आपका मार्कशीट और जो भी सारा कुछ ये डॉक्यूमेंट्स है ये कब तक मिलेगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या मिलेंगे, और उससे पहले अगर आपको डॉक्यूमेंट्स लेने जाना है स्टडी सेंटर में तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ओके, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डॉक्यूमेंट्स का कि आपको डॉक्यूमेंट्स कब तक मिलेंगे और इसमें टाइम कितना ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स 1 महीना के अंदर मिल जाता है, मोस्टली 45 दिन जाता है। और आप समझ सकते हो कि ओपन बोर्ड है, तो ओपन बोर्ड में थोड़ा सा आपको ये लोग मतलब टाइम ज़्यादा लेंगे, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा नहीं, 40 से 45 दिन के अंदर ये चीज़ मिल जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या आपको साथ में मिलेगा। तो आपका एडमिट कार्ड तो वो तो पहले मिल जाएगा, जिसे आपको बिल्कुल संभाल करके रखना है। और दूसरा मैं यहाँ पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, ओके। फिर आपको टीसी मिलेगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और फिर उसके बाद मार्कशीट, ये ओरिजिनल, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलेगा। तो ये सारा चीज़ आपको खुद के स्टडी सेंटर से ही मिलेगा, और स्टडी सेंटर में आपको सीधा जा करके कांटेक्ट करना है, ठीक है। और साथ में आपको अपना एडमिट कार्ड का ओरिजिनल जो है वो लेकर के जाना है, तभी आपको ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, ओके। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।